मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने जो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी और पर्सनली भी काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई, मेरे काफ़ी नए लोग भी जुड़े। तो मतलब उन लोगों से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो लोग काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज तो कर रहे हैं तो और उनके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और कहीं ऐसे भी थे जिन्होंने तो मतलब एक्सरसाइज ही स्टॉप कर दी। तो उन लोगों से मैं बस यही कहूँगा कि देखो, अगर आप इतना कुछ करके अगर आपके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो सबसे पहले इसकी दो वजह हो सकती है। पहली ये, या तो आप एक सही गाइडलाइंस में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। सेकंड ये, आपकी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है, या तरीके में कह लो, कुछ भी कह लो। तो उस चीज़ में आपको देखो खुद को ही सुधार करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सरसाइज स्टॉप कर रहे हो सब कुछ छोड़ के कि अब इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है तो बस एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कब आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसकी कोई टाइम का कोई किसी को कुछ नहीं पता। आपको देखो दिन में आप अगर कुछ काम भी कर रहे हो तब भी आप दिन में इजीली 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज के निकाल सकते हो, और मेरे हिसाब से निकालने ही चाहिए, क्योंकि अभी आपकी एज भी है, अभी आपको आगे भी बहुत कुछ करना है। और अगर आप अभी स्टॉप कर दोगे, बेड पे ही रह जाओगे, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। तो आपको एक्सरसाइज स्टॉप नहीं करनी है दोस्त। इसमें मतलब मंजिल का नहीं पता आपको, आपका मंजिल कब, आप कितने करीब हो अपने मंजिल के। और अगर आप वापस लौट रहे हो तो ये एक तरीके से कह लो बेवकूफ़ी है आपकी। अगर आपने इतनी मेहनत की है, इतने घंटे एक्सरसाइज की है, इतने टाइम तक एक्सरसाइज की है, अगर फिर भी आप मतलब वहां तक जाकर फिर वापस आ रहे हो तो वो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज स्टॉप मत कीजिए दोस्तों। देखो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि आपके कौन सी एक्सरसाइज के बाद क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है और कब होने वाला है। टाइम का किसी को नहीं पता। ऐसी कोई नहीं है जो आपको ये बता सके कि भाई आप 3 महीने 2-2 घंटे ये एक्सरसाइज करो, आपके ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसका किसी को नहीं पता। सब लोग कर रहे हैं और मिल रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो वो कर रहे हैं, आपको भी मिलेगा। प्लीज़ निराश ना हो और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, बस स्टॉप ना रखें। किसी को यार 10-10 साल हो रखे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, उनके भी अब जा के कुछ 0.1% इम्प्रूवमेंट मिल रहा है उनको, तो वो लोग कर रहे हैं, तब मिल रहा है। अगर वो लोग भी अब ये सोच के कि यार 10 साल हो गए अब तो कुछ होने वाला है नहीं, अब बस अब ऐसे वैसे ही रहना है, छोड़ो एक्सरसाइज, तो उन्होंने भी नहीं किया। तो अभी तो आपके 1.5 साल 2 साल 3 साल लगभग हुए हैं। यहाँ तक मुझे ही देख लीजिए, मुझे भी अराउंड 2 साल कंप्लीट होने वाला है दिसंबर में, तो मैं भी कर रहा हूँ। पता है मुझे धीरे धीरे हो रहा है इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं चाहूँ कि यार कि नहीं यार 2 साल हो गए अभी तक तो मेरा इतना ही हुआ है, मुझे तो इतना करना चाहिए था, छोड़ रहे यार एक्सरसाइज नहीं करनी, तो ये सब गलत है। मतलब ये आप माइंड में ना रखें और निराश ना हो। देखो एक्सरसाइज भी करें तो निराश होकर ना करें, माइंड में अदर टेंशन ना रखें, पॉजिटिव होकर बस माइंड में ये रखें मुझे बस रिकवरी लानी इस जगह। अगर मैं पंजे की कर रहा हूँ तो मुझे पंजे में रिकवरी लानी है, चाहे मुझे कितना भी अंदर, और सब पावर आपकी अंदर से ही लगेगी, बाहर से आपका कोई पावर नहीं लगा सकता आपको। आपकी जो ताकत लगेगी एक्सरसाइज की वो आपके शरीर के अंदर से लगेगी, ना कोई बाहर से आके आपको फोर्स लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अंदर से ही लगानी पड़ेगी, बस ये वो मसल्स काम नहीं कर रही है, उनको अंदर से फोर्स लगाना पड़ेगा जितना आप लगा सकते हो। तो बस यही थी। और आप वीडियो देखिए, आज भी मैंने कुछ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज वीडियो बनाए हैं, तो क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारी एक्सरसाइज आपको नहीं बता पाया, फिजियो आए उसके बाद लगभग उन्होंने शाम तक 5-6 बजे तक एक्सरसाइज चली, फिर मैं थोड़ा बार वॉकिंग के लिए थोड़ा गया था तो वो मैंने सूट नहीं किया, तो हो सके वो भी करूँगा मैं। बट आज जो घर पे जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखिए आप आगे। तो दोस्तों ये साइकिल वाली एक्सरसाइज है जो कि मैं दिन में 2 बार या 3 बार कर लेता हूँ, और इन वन टाइम मैं आधी घंटा या फिर 1.25 घंटा लगभग चलाता हूँ। तो इससे भी
काफ़ी आपको पता ही होगा मतलब पावर आती है, तो आप कीजिए। देखा वो एक्सरसाइज मैं दिन में अराउंड 1-1.5 घंटा लगभग करता हूँ, और उसके बाद मैं बैलेंस बोर्ड की एक्सरसाइज करता हूँ, वो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। आपने दोस्तों इस वीडियो में देखा, इसमें मैंने अपने आगे की तरफ एक जने को बिठा रखा था, जिससे कि अगर मेरा बैलेंस बिगड़ता है तो मैं सामने उसको पकड़ सकूं, और वो मेरे पंजों पर भी आपने देखा कि उसने अपने दोनों पांव रख रखे थे, जिससे कि पंजे भी स्टेबल रहे, एक जगह रहे, आगे की तरफ स्लिप ना हो। तो आप भी अगर एक्सरसाइज करें तो मतलब बी केयरफुल होकर करें, अपने पास में सामने किसी को बिठाए रखें कि अगर आपका बैलेंस अगर बिगड़ता है तो आप उसको पकड़ लें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस बॉल से मैं खेल ले रहा हूँ, इस बॉल से भी एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने अभी की है। इसमें ये है मतलब मुझे लगता आपके मेरा तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो स्टैंडिंग का मेरा बैलेंस है वो काफ़ी उसमें इम्प्रूव हुआ है। स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा मेरे पिछले वीडियो, जिसमें मेरा बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था, और मतलब लेफ्ट राइट भी मेरे को बैठने के लिए मतलब किसी चीज़ को पकड़ना पड़ता था। अब मुझमें इतनी पावर है, अगर सामने से कोई वो जिम बॉल बड़ी वाली जो बॉल है अगर वो भी कोई फेंके तो उसको भी मैं रोक सकता हूँ बिना बैलेंस बिगड़े। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, और बट बी केयरफुल होके, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो इस बार धीरे धीरे स्टार्ट करें, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो जो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की है वो मैं मतलब टाइम भी मैंने बताया है कितनी देर तक करता हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ये रेड कलर का बटन सब्सक्राइब बटन इसको ज़रूर प्रेस कीजिए, एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप सपोर्ट एंड टेक केयर।